जानब से डॉक्टर आरिम गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इतवाक से यहाँ गुजर रहा था, मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे मोहसिन रहते हैं जिनका नाम असद है, और हम लोग जो हैं यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने एक चाचा को देखा जिनका नाम जावेद है और बहुत बुरे हालात में, कस्मा पुरसी के हालात में, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है और बिल्कुल उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और इसके अंदर ही सोते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में ख़राब गाड़ी है। तो लिहाजा मैं पूछना चाहूँगा जावेद साहब से, जावेद साहब ये बताइए कि आप जो हो आपकी कब से इस गाड़ी के अंदर रह रहे हो जी? कब से इस गाड़ी के अंदर रह रहे हो आप? मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ। अच्छा, 2 साल से आप इस गाड़ी के अंदर रह रहे हो? हाँ, 2 साल से। ये उस्ताद है डेंटर, उनके वहाँ काम करता था, जहाँ के कमज़ोर हो गई थी, यहीं पर सो गया हूँ। अच्छा, आपके बीवी बच्चे ख़ानदान वगैरह कहाँ हैं जी? बीवी बच्चे और ख़ानदान वगैरह? बीवी बच्चों का कोई पता नहीं है। कहाँ से डालू? यहीं कराची में रहते थे, कहीं और से आए हो? कहीं है लेकिन पता नहीं है कहाँ है। शहर अफरतफरी हो गई है, कौन कहाँ चला गया पता नहीं है। तो किसी मर्ज में मुबतला हो गए थे? कोई जिसम बीमारी हो गई थी आपको? कोई बीमारी हो गई थी, जहनी मर्ज हो गया था? नहीं, जहनी मरीज तो नहीं है, लेकिन आँखें कमज़ोर नहीं, वैसे कि बुखलाहट आ गई। कितने साल के हैं आप? मेरी उम्र तकरीबन 65 साल है। 65 साल के हैं। इससे पहले कहाँ रहते थे इस गाड़ी से पहले आप? इससे पहले मैं तो शादमन टाउन में रहता था। शादमन टाउन। अच्छा, ये बताइए कि आपका खाना पीना गुजर बसर हो जाता है इस महंगाई के हालत में? खाना पीना गुजर बसर हो जाता है? बिगाड़ी हूँ, खाना मिल जाता है। अच्छा, रोटी वगैरह खा लेते हूँ। नाम जावेद है आपका जी? जावेद नाम है आपका? जावेद नाम। अच्छा, गुजर बसर आपका हो जाता है इन हालात में जी? गुजर बसर यानी खाना पीना निकल जाता है आपका? निकल जाता है। अच्छा, शिनाख्ती कार्ड वगैरह बना हुआ है आपका या वो भी खो गया? शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है या खो गया? शिनाख्ती कार्ड खो गया। अच्छा, इससे पहले जब अच्छे हालात थे क्या काम करते थे आप? यही जेंटिंग का काम करते यहीं पर ही। अच्छा, सही। अब बीवी बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कहाँ गए, खो गए, मर गए, जिंदा है? अभी अभी काम में नहीं है, कमाता नहीं है, देता नहीं है। तो बीवी जो टीचर थी वो अपना गुजारा चलाती, बच्चे भी अपने बड़े। अभी भी टीचिंग करती है बीवी आपकी जी? अभी भी पढ़ाती है बच्चे? अभी नहीं पढ़ाती, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा अपने सामीन और नाजरीन को कि जावेद साहब की मदद की जाए। ये पीपल चौरंगी के पास ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं, मुस्तकिल ना खाना है ना पीना है। जो अच्छे लोग हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो इन हालात में जावेद साहब की बिल्कुल मदद कीजिए। और ये हाई रूफ गाड़ी है जिसमें ये मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं ये डीसी ऑफिस भी पास है यहाँ, और प्लस ये है कि पीपल चौरंगी पास है। तो मैं गुजारिश करूँगा।